पेटू राम। तो यहाँ पे योगी धाम में देखिए ये साई चौक है मेरे पीछे और यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ पेटू राम में। तीन दाल मिक्स होता है इसमें, चने का, मूंग का, बटर दाल होता है। पूरा बनाते हैं आप लोग की रेडीमेड लेके आते हैं? नहीं, रेडीमेड नहीं लेके आते हैं, ये हम इधर ही शॉप पर बनाते हैं पूरा। बताओ मिर्ची भजिया, ये भी सिंधी मिर्ची भजिया रहता है, इसमें भी अमचूर डाला रहता है अंदर, मिर्ची में जाके तीखा दिखाना है। नमक है, बटाटा भजिया देख रहे हैं आप, बटाटा भजिया, ये ब्रेड पकौड़ा होता है एक्चुअली में, कटलेट से बोलते हैं इसको। ये सब आप रखो, फ्राई करके देते हो ऑर्डर। मिक्स दाल रहता है इसमें, माखनी, चना और मूंग मिक्स रहता है इसमें, बटर दाल रहता है, कांदा डाला जाता है ऊपर से, थोड़ा प्याज, आलू, थोड़ा मसाला, चाट मसाला, हल्का सा मिर्च स्वाद के लिए। इसमें दो चटनी डाला जाता है, एक खट्टा रहता है, खट्टे का टेस्ट अलग आता है। हल्का सा तीखा, दाल रेडी हो गया। अभी टेस्ट करते हैं हम लोग इनका दाल पकवान। और ये देखिए सबको ये लोग गरम करके देते हैं, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको। टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा चटपटा तीखा और हो सकता था। दाल पकवान काफ़ी डिफरेंट डिश हो जाती है, सिंधी लोग ज़्यादा बनाते हैं, अभी हर जगह बनने लगा। सबसे पहले हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ। इसमें दाल है, चटनी डाली है और ये आलू भी है इसके अंदर। वाओ, चलिए टेस्ट करते हैं। ज़्यादा चटपटा नहीं है, एकदम बैलेंस्ड इसका टेस्ट है एक्चुअली। जिसको जो तीखा खाना है वो थोड़ा चटनी ज़्यादा डलवा ले। काफ़ी फिलिंग नाश्ता है ये, पेट भर जाता है एकदम। मैं इसमें आलू की बाइट भी लेता हूँ मैं। नॉर्मली हमको उल्लासनगर जाना पड़ता था, तो योगी धाम में सिंधी लोग काफ़ी रहते हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। टेस्ट बहुत अच्छा है, डिसेंट है, योगी धाम सर्कल पे। आप लोग भी आइए और ट्राई करिए, दाल पकवान खाने का मन है तो आप लोग भी। पैकिंग देखिए कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पे। बढ़िया। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक और कॉर्नर है, दाबेली का भी है। और क्या क्या रखते हैं सर? शाम को आप पानीपुरी भी रखते हैं? पानीपुरी है, अपना चाट है, चाट इनका बहुत स्पेशल है। चलिए देखते हैं अब इनका चाट कैसे बनता है।
चाट के बाद हम चलते हैं अभी सैंडविच की तरफ। इसी दुकान में ये सैंडविच बनता है। क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा हमको आके। थैंक यू।